गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब हमने फ्लो चार्ट की बात की थी तो हमने लॉजिक स्ट्रक्चर की बात की थी कि लॉजिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो लॉजिक स्ट्रक्चर हमारे पास होते थे, नंबर वन सीक्वेंस, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आपके पास होते हैं जो कि सिंपल आपके पास सीक्वेंस फॉर्म में आपके पास कंट्रोल ट्रांसफर होता है किसी भी प्रोग्राम में। सेकेंड आपके पास लॉजिक स्ट्रक्चर था जो कि आपके पास जहाँ आपको डिसीजन लेना था, जहाँ आपको कोई सिलेक्शन करनी थी, ठीक है। तो जब आपको कोई सिलेक्शन करनी है या आपको डिसीजन लेना है, सेकेंड टाइप का लॉजिक स्ट्रक्चर आपके पास वो होता है, सिलेक्शन और डिसीजन। थर्ड टाइप का आपके पास लॉजिक स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको रिपीटेशन करनी होती है कुछ स्टेप्स की, अभी तक हम बात कर चुके हैं सिक्वेंशियल की। प्रोग्राम का जब हमने डिस्कस किया था फोर्ट्रान के प्रोग्राम्स को, तो वहाँ पे हमने कुछ सिक्वेंस में प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स लिखी थी और वो सारे सिक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो रही थी। कहीं भी आपके पास कंट्रोल सिक्वेंस को जंप करके किसी ऐसी लाइन पे नहीं जा रहा था जो सिक्वेंस में नेक्स्ट ना आ रही, ऐसे सिक्वेंशियल आपके पास अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट आप लिख चुके हो प्रोग्राम में। सेकंड हमने डिसीजन या सिलेक्शन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है उस टाइप की भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रू इफ स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे रिपीट की। रिपीट जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस को आप बार बार रिपीट कर रहे थे और इसको जो हम यूज करते हैं इसके लिए वो करते हैं डू लूप को यूज। तो आज हम डू लूप की बात करेंगे। अब लूपिंग क्या है? लूपिंग बेसिकली आपके पास जब आप किसी कुछ आपके पास स्टेप्स ऐसे हैं, कुछ आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हैं जिनको आप रिपीटली एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हो, उनको लूप में यूज़ करते हैं। फोर्ट्रान में जो लूप है वो आपके पास है डू लूप। तो एक सिंपल डू लूप अगर मैं देखूं तो फोर्ट्रान में आपके पास सिंपल डू लूप ये वाला है। डू लूप आपके पास डू आपने लिखा, डू लूप को कोई नंबर दिया, ये नंबर जो फोर्ट्रान 77 में कंपल्सरी है, और उसके बाद आपका काउंट कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये काउंट कंट्रोल है। जैसे कि ये इंटीजर आई इस लूप को कंट्रोल कर रहा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, ये काउंट कंट्रोल लूप है। ओके, तो ये आई आपका 1 से लेके एन तक, मतलब ये लूप आपका एन टाइम्स रिपीट होगा। फर्स्ट काउंट इसका स्टार्ट होगा 1 से और एन तक फिनिश होगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आपने स्टेटमेंट लिखी है ये लूप की बॉडी है। ये इसकी स्टेटमेंट आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती हैं, तो लूप के अंदर की स्टेटमेंट है। जो नंबर आपने यहाँ डाला है वही नंबर हम यहाँ डालेंगे और कंटिन्यू से हम उस लूप को क्लोज करेंगे फोर्ट्रान 77 में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है दैट इज काउंट, काउंट इज सपोज आई। अब एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में सिंपली हम डू लूप में क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस को रिपीट करवा रहे हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं बना रही हूँ डू, सपोज मेरे पास, मैं डू लूप को नंबरिंग दे रही हूँ, एक लेबल दे रही हूँ, तो लेबल मेरे पास डू लूप का सपोज दैट इज 20। ओके, और मेरे पास ये काउंट स्टार्ट हो रहा है आई इक्वल्स टू 1 2, कोमा से सेपरेट करेंगे 1 से लेके आपके पास एन तक। अब व्हाट इज दिस एन, ये एन आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो एन को मैं पहले यहाँ पे डिफाइन करूँगी कि एन क्या है। एन इज अगेन एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू मैं इनपुट करवा रही हूँ थ्रू रीड स्टेटमेंट, रीड। स्टार कोमा एन, ओके।
काउंट मैंने लास्ट काउंट यूज किया था डू लूप के लिए, वो आपके पास ये वाला एन है, तो इसकी वैल्यू मुझे ये लूप स्टार्ट होने से पहले चाहिए। तो मैंने क्या किया, यूजर से एन की वैल्यू मांग ली है और वो उसको रीड करके मैंने अपना डू लूप आगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपके पास राइट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने कहा था सबसे सिंपल है आपको कोई लूप किस तरह से काम कर रहा है ये देखने के लिए, राइट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्टार कोमा स्टार ब्रैकेट में और एन की आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। एंड देन आपका लूप का फिनिशिंग डू, यहाँ पे लेबल नंबर वही जो आपका लूप का लेबल था, डू के बाद ये कंटिन्यू। ये फोर्ट्रान 77 का फॉर्मेट है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड ऑफ प्रोग्राम, तो ये मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया, ओके। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलिंग कंपाइलेशन कंप्लीटेड विदाउट एनी एरर, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में देखें तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर, तो ये मेरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर टाइप मेरे आई और एन है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको डिक्लेयर नहीं करती तो ये तब भी ये जो है आई और एन आपके इंटीजर टाइप रहते, क्योंकि आई जे के एल एम एन इनसे स्टार्ट होने वाले सारे नाम बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर माने जाते हैं, और इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रियल नंबर माना जाएगा। तो अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती तो तब भी मेरा ये काम चल जाता। तो अब मैंने सेकंड आपका इसके बाद नेक्स्ट लाइन जिसका एग्जीक्यूशन का टर्न आ रही है वो है ये वाली, ओके। सेकंड लाइन में आपने क्या किया है, एक आउटपुट करवाई है, राइट करवाया है डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर ये मैसेज जो कि है इनपुट वैल्यू ऑफ एन, तो ये आपका यहाँ पर आ गया इधर, ओके। अब थर्ड आपके पास ये आपका सेकंड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, थर्ड आपने लिखा है रीड वैल्यू ऑफ एन, तो मुझे वैल्यू ऑफ एन जब तक मैं इनपुट नहीं करवाऊंगी मेरा कर्सर यहीं पर ब्लिंक करता रहेगा, ओके। तो मैं मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ एन मुझे करवानी है, सपोज वैल्यू ऑफ एन इज 10 और उसके बाद मैंने प्रेस किया एंटर, तो अब मैं डू लूप के अंदर चली गई, ठीक है। तो उसने डू लूप में क्या किया, आई को काउंटर को 1 से स्टार्ट किया अप टू एन, इसने क्या किया जब आई फर्स्ट टाइम 1 था तो इसने राइट की आई की वैल्यू जो कि 1 आई यहाँ पर, ये इसने राइट कर दी। सेकेंड टाइम ये वापस कंट्रोल आपका इस कंटिन्यू के थ्रू यहाँ पर शिफ्ट हुआ और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, ओके। तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हुई, 2 हो गई, 2 हो गई और ये डू लूप के अंदर गया, तो आई की वैल्यू 2 थी तो 2 उसने नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रिंट कर दिया। थर्ड टाइम फिर से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई और कंट्रोल आपका वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गया जो आपका डू लूप है उसके स्टार्टिंग में, और आई की वैल्यू बन गई 3। तो इस तरह से करते करते अप टू जब तक आई की वैल्यू लास्ट एन के बराबर ना हो आपकी ये वैल्यू जो मैंने है प्रिंट करवा ली है, और ये डू लूप से जब ये बाहर आएगा एग्जिट करेगा जब तक ये काउंट पूरे हो जाएंगे 1 से लेके एन तक, ये डू लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो अब आपका प्रोग्राम, इसके बाद मैंने एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया, ओके। तो ये एक सिंपल डू लूप को समझने के लिए प्रोग्राम था। अब क्या है कि अगर आप चाहो कि आपके पास जो काउंटर है वो रिवर्स ऑर्डर में चले तो मैं आई को चेंज भी कर सकती हूँ, आई मेरा वेरी कर सकता है एन टू 1, ओके। तो एन टू 1 अगर मैं इसको कर रही हूँ और इसको कंपाइल करके फिर से रन करके देख रही हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ओके। इनपुट वैल्यू ऑफ एन मैंने वही आपके आपकी बार फिर से 10 डाली है,
अब इसमें क्या है कि आपकी लास्ट वैल्यू n टू 1, अगर आप इसको नहीं बताओगे कि आपको डिक्रीमेंट कितने का करना है, तो ये बाय इटसेल्फ ये एक एक का डिक्रीज नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सिर्फ दो ही वैल्यू लिखी हैं, तो i की वैल्यू जो है लोअर काउंट लोअर वैल्यू ये मानी जाएगी और उसके बाद अपर वैल्यू ये वाली मानी जाएगी। तो क्योंकि अब आपके पास अपने लोअर वैल्यू ही 1 से बड़ी लिखी है, तो आपका जो है सीधा सीधा आपके पास i की इनिशियल वैल्यू 10 हो गई। और नेक्स्ट टाइम इसको 1 से इंक्रीमेंट करना था, तो 1 से इंक्रीमेंट करके, क्योंकि अपर काउंट अपर जो आपका जो है बाउंड वो 1 से छोटा है, तो सेकेंड टाइम ये इसके अंदर गई नहीं। ओके, तो अगर ऐसा केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको कितने उससे डिक्रीज करना है स्टेप से, वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ -1। ओके, तो ये क्या है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, और ये कितने से डिक्रीज करना है ये है। अब इसको मैं कंपाइल करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, यस, तो इनपुट वैल्यू ऑफ n और ये मैंने डाला 10। अब आपके पास क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो बाय इटसेल्फ अगर आपने सिर्फ दो ही वैल्यू दी हैं, तो आपके पास फर्स्ट वाला लोअर बाउंड माना जाएगा, सेकंड वाला अपर बाउंड माना जाएगा, और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 से ही होगा। ओके, तो ये आपका काउंट कंट्रोल डू लूप था। जनरल जो किसी भी फॉर्म है डू लूप की, वो ये आपके पास है 77 में, कि आप सबसे पहले डू लूप लिखोगे, फिर उसका लेबल नंबर लगाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल नंबर 20 लगाया था। ओके, उसके बाद आप वेरिएबल जो आपका काउंट वेरिएबल है वो लिखोगे, मेरा काउंट वेरिएबल यहाँ पर आई है। ओके, उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखोगे, जो फर्स्ट इसकी लोअर बाउंड है वो लिखोगे, नेक्स्ट अपर बाउंड सेपरेटेड बाय कोमा, और थर्ड जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आपको बता रहा है कि आपको कितनी वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है इस वेरिएबल को, जो कि आपने काउंट के लिए यूज़ किया है वेरिएबल, उसको कितनी वैल्यू से डिक्रीज करना है। ओके, मैंने यहाँ पर -1 लिया है, आप -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, यहाँ पर ये कितना भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड इनके बीच की ही कोई वैल्यू हो। अब फोर्ट्रान 90 और 95 में अगर आप देखें, तो फोर्ट्रान 95 और 90 में एक और आपके पास इस डू लूप को मॉडिफाई कर दिया गया था, कि आपको इसका लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं, लेबल की बजाय आप यहाँ पर स्टेटमेंट जो डू लूप का लेबल है उसको कॉन्टिन्यू से नहीं, आप सिर्फ एंड से फिनिश करोगे, एंड डू। ओके, तो ये कंप्लीट आपके पास फोर्ट्रान 90 या 95 में डू लूप बनेगा। अब एक फाइल हम फोर्ट्रान 95 में भी बना लेते हैं, 90 या 95 में, तो मैं बना रही हूँ एक न्यू फाइल, क्योंकि आपके पास 90 95 फ्री फॉर्मेट फोर्ट्रान फाइल होती है, तो मैं एक फ्री फॉर्मेट फोर्ट्रान फाइल बना रही हूँ। ओके, और इसको सेव कर रही हूँ बाय नेम सेव एज करके, इसको सपोज मैं डू कंस्ट्रक्ट नाम दे रही हूँ। ओके, इसकी एक्सटेंशन आएगी F95 या F90, तो ये आपके पास फ्री फॉर्मेट F95 की फाइल बनी। ओके, तो इसमें फ्री फॉर्मेट है आपके पास, आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप 7th कॉलम से ही लिखना शुरू करो, आप किसी भी कॉलम से लिख सकते हो। सेकंड थिंग, ये 72 कॉलम में ना फिनिश होके इसकी जो है लिखने की जो आपके पास पेज है विड्थ है वो ज़्यादा है। तो ये मैंने आपके पास फोर्ट्रान 95 में बना दिया। इस डू लूप को मैं 95 में कर सकती हूँ, एंड डू से फिनिश, तो सपोज मैंने ये एंड डू इससे फिनिश कर दिया। अब 95 और 90 में एक डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है 77 और 95 में एक और डिफरेंस है। 77 में आपका डू लूप का एंडिंग लेबल नंबर से और कॉन्टिन्यू से हो रहा था, एक तो ये चीज़ थी। सेकंड थिंग, आप यहाँ पर रियल नंबर भी डाल सकते हो, तो फर्स्ट बाउंड सेकंड बाउंड और डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कितने से करना है ये रियल नंबर भी हो सकते हैं।
लेकिन बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर जो इसमें आ सकती हैं उसकी वजह से 1995 में इसको हटा दिया गया। उसमें काउंट जो है आपके इंटीजर ही हो सकते हैं, ये कंपल्सरी कर दिया गया था 90 या 95 में। अब है आपके पास नेस्टेड डू लूप, डू लूप के अंदर ही एक और लूप, ठीक है। तो सपोज मैंने डू लूप के अंदर एक और लूप डाला और फोर्ट्रान 77 में मैं सेम लेबल डाल सकती हूँ और उसको फिर सपोज इसकी स्टार्टिंग हो रही है जे से, आपके पास एक अनदर इंटीजर है दैट इज जे, और इसकी वैल्यू वेरी कर रही है 1 to लेके एन तक। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होगा तो मैं वो नहीं डाल रही और मैं यहाँ पे इसमें लिखवा रही हूँ वैल्यू जे का। अब सेम लेबल डालने का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पर इसका जो एंडिंग है दोनों डू लूप की वो एक ही कॉन्टिन्यू से कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप 95 में जाओ तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से रीड नहीं हो पाता, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये फैसिलिटी हटा दी है। आपको हर एक डू लूप का एंड डू अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अलग से कर सकती थी लेकिन एक बार सेम उससे करके देख लेते हैं। सेम से किया मैंने और इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, अब सबसे पहले आपके पास आपने डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर आई जे के एन है, फर्स्ट इसकी एग्जीक्यूशन की बारी आई। नेक्स्ट आपके पास आया, नेक्स्ट सेकंड लाइन है, आपने एक मैसेज आउटपुट करवाया जिसमें इनपुट वैल्यू ऑफ एन करवाई है, तो मैं यहाँ पर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एन इनपुट करवा देती हूँ ताकि ये इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू रीड कर ले, क्योंकि अभी आपका जो कंपाइलर एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इस लाइन पर अटका हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर 10 वैल्यू डाल के और इसको इनपुट करवा देती हूँ, एंटर प्रेस। ओके, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास फर्स्ट डू लूप था जिसमें आई की वैल्यू चेंज हो रही थी एन से लेके वन तक और डिक्रीमेंट था 1 का, ओके। और सेकंड डू लूप आपके पास ये था जिसमें जे की वैल्यू चेंज हो रही थी 1 से एन तक। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, आउटर लूप आपके पास जो है उसमें आई की वैल्यू एन के बराबर हुई जो कि आपके पास 10 है, और जैसे ही 10 आया आपके पास आप इनर लूप में गए इस वाले में, ओके। इनर लूप की फर्स्ट वैल्यू जे की 1 है, जे की 1 वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। जब तक ये इनर लूप आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वापस जो आपके पास आउटर लूप है उसकी वैल्यू आई में उसके काउंटर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इनर लूप की कंप्लीशन आपकी होगी जब आपके पास जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक ट्रेस हो जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 1-1 से इंक्रीज होके ये कॉरस्पॉन्डिंग टू आई इक्वल्स टू जे के कॉरस्पॉन्डिंग है। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने प्रिंट करवाई हुई है वो आई की वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है इस लूप के अंदर, और सेकंड वैल्यू मैंने जे की प्रिंट करवाई हुई है। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू आपके पास 10, जे की वैल्यू 1, नेक्स्ट टाइम फिर आई की वैल्यू 10, जे की वैल्यू 2, इस तरह से अप टू 10 आपके पास 10 टाइम्स, जब तक आपके पास जे की वैल्यू 10 नहीं होगी आप इनर लूप से एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपके पास जे के काउंट पूरे हो जाएंगे तब आप इस लूप से एग्जिट करके ये लूप इससे एग्जिट करके आउटर लूप में जाएंगे और आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी जो कि वैल्यू 9 है, ओके। 9 के कॉरस्पॉन्डिंग फिर पूरा इनर लूप चलेगा और इनर लूप में फिर से जे की वैल्यू 1 से लेके 10 तक वेरी करेगी, यहाँ आपके पास 1 से लेके 10 तक वेरी करेगी। थर्ड टाइम ये कंप्लीशन होने के बाद फिर से आप आउटर लूप में जाओगे, आउटर लूप में आपके पास आई की वैल्यू फिर से ये 1 से डिक्रीज होगी और अब की बार आपके पास जो है आई की वैल्यू हो गई 8 और जे की वैल्यू अब आपके पास फिर से 1 से लेकर 10 तक वेरी करेंगी। इस तरह से आपके पास जब तक इनर और आउटर लूप फिनिश होगा लास्ट वैल्यू जो आपकी आएगी
वो आउटर लूप जब आपका चल रहा होगा, एन की वैल्यू लास्ट वैल्यू ये वाला बाउंड जो आपने लिखा हुआ है वन, तो वन, और जे की वैल्यू वन से लेकर टेन तक इसमें बाय डिफॉल्ट वन से इंक्रीमेंट है, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं फोर्ट्रान 95 में करवाना चाहूँ अब मैं अगर इसको कंपाइल करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो वर्जन है F95 ये 77 और 95 की दोनों ही फैसिलिटी रखता है, तो मुझे यहाँ पे सेपरेट जो है एंड डू लूप लगाने पड़ेंगे। तो एक एंड डू लूप मैं फर्स्ट वाले का लगाऊंगी और एक एंड लूप मैं सेकंड वाले का लगाऊंगी। तो इसकी मैचिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वाला जो एंड है, फर्स्ट वाला जो लूप है आउटर लूप, वो आउटर लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ आके फिनिश हो जाता है, ये आउटर लूप है, और इनर लूप आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर फिनिश हो जाता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है राइट स्टेटमेंट, ये मैंने इनर लूप में लिखी हुई है, ओके। यहाँ पे आपको लेबल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेबल आप हटा सकते हो, लेबल ऑप्शनल है। तो ये मेरे पास मैंने विदाउट लेबल एक डू लूप लिखा है, इनर लूप आपके पास ये है जिसमें आपने एक स्टेटमेंट डाली हुई है ये वाली, ठीक है। और आउटर लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ फिनिश हो रहा है, जिसमें आपने स्टेटमेंट्स जो डाली हुई हैं वो ये वाली स्टेटमेंट डाली हुई है, एक डू लूप डाला हुआ है और एक राइट स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट आउटर लूप, ठीक है। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। एन की वैल्यू मैंने डाली 10 और ये आपका एग्जीक्यूट हुआ। वैल्यूज वही आई हैं जो आपकी पहले वाले में थी, ओके। अब अगर फोर्ट्रान 77 में आप चाहते हो कि इन दोनों का अलग कंटिन्यू हो, तो आपको इसका लेबल अलग डालना पड़ेगा, 30 इसका मैंने डाल दिया, और इनर लूप को पहले क्लोज करना पड़ेगा और आउटर लूप को बाद में क्लोज करना पड़ेगा। तो ये इनर लूप क्लोज और अब मेरे पास आउटर लूप क्लोज, सपोज मैं इसका चाह रही हूँ कि ये डिक्रीमेंट 2-2 से हो जाए और इसका इंक्रीमेंट भी 2 से हो जाए। तो ये मेरा इनर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ और ये राइट स्टेटमेंट मेरी इनर लूप के अंदर है। आउटर लूप यहाँ से शुरू हुआ और इस 20 वाले कंटिन्यू पे फिनिश हुआ, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने 3 लिखी हुई हैं ये आपके आउटर लूप के अंदर है। तो इसको एग्जीक्यूट करना है अगर मुझे, तो इसको कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। वैल्यू ऑफ एन मैंने वही 10 डाली है और अब आप देखो तो मैंने यहाँ पे 2 से डिक्रीमेंट डाला है आई का और 2 से इंक्रीमेंट डाला है जे का। तो आई की वैल्यू 10, 8, 4 इवन है और जे की वैल्यू क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही थी तो ये ओड वैल्यूज आपके पास जे की वैल्यू आ रही हैं। तो 5-5 वैल्यूज आपके पास आई है यहाँ पर, आई की 5 वैल्यूज 10, 8, 6, 4, 2 और जे की वैल्यू भी 5 है आपके पास 1, 3, 5, 9, ओके। ये सबसे पहले आपका आप स्टार्ट कर रहे हो आउटर लूप से, आउटर लूप के आई की वैल्यू हुई 10 और फिर आप इनर लूप में गए, इनर लूप में वैल्यू जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा आप वापस आउटर लूप के काउंटर को
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो पहले इनर लूप अंदर से कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीट हुआ, 13579 जे की वैल्यू आ गई। फिर से आप आउटर लूप के काउंटर पे गए और यहाँ से फिर आपने क्या किया कि इसकी जो वैल्यू है 2 से डिक्रीमेंट कर दी। तो इनिशियल वैल्यू 10 थी, 2 से डिक्रीमेंट हुई, वैल्यू हो गई 8। तो अगेन आपके पास 8 के कॉरस्पॉन्डिंग सभी जे की वैल्यू। नेक्स्ट टाइम फिर से आउटर लूप की पर गए, आपके पास आई की वैल्यू 6 हुई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से जे की सभी वैल्यूज। तो ये किस तरह से लूप काम कर रहा है, नेस्टेड डू लूप आपके पास ये है। अब कुछ बातें ध्यान रखने की कि जो आउटर लूप है उसको आप बाद में फिनिश करते हो, उसका एंड डू या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कंटिन्यू है वो बाद में आता है, और जो इनर लूप है उसको अंदर की तरफ ही आपको फिनिश करना पड़ता है। अगर आपके पास और भी ज़्यादा डू लूप है, इसके अंदर एक और है, तो उसका एंड डू आपके पास इस तरह से। तो सबसे इनर मोस्ट सबसे पहले फिनिश होगा, नेक्स्ट आपके पास है जो इनर मोस्ट से नेक्स्ट है वो फिर फिनिश होगा, और आउटर मोस्ट सबसे लास्ट में आपका फिनिश होता है। ये आपको ध्यान रखना। कंट्रोल कभी भी आप इस तरह से शिफ्ट नहीं करवा सकते कि आपका कंट्रोल इनर से आउटर में और आउटर से इनर में जाए। कभी भी आप रिवर्स जंप नहीं कर सकते कि आप आउटर लूप में हो और कोई ऐसे स्टेटमेंट डाल दो कि आप इनर लूप में चले जाओ। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप एम्बिग्यूस रिजल्ट देगी, ऐसा कभी नहीं करना।